वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और कल ही उनका जन्मदिन भी था। तो वहीं उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर हार्दिक संवेदना। वो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री के रूप में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और यूपी के राज्यपाल, महासचिव और एआईसीसी के कोषाध्यक्ष के रूप में बिताया। वैसे अनुभवी नेता थे जिनका जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपनी अंतिम सांस को तक समर्पित कर दिया। उनका निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। उनके परिवार और समर्थकों को शक्ति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी साझा किया। मोतीलाल वोरा के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से संवेदनाएं जाहिर की। लिखा कि कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ साथी को खोया है जिन्होंने यूपी के राज्यपाल, महासचिव, एआईसीसी के कोषाध्यक्ष और एक ऐसे अनुभवी नेता के रूप में अपना जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया। उन्होंने अंतिम सांस तक पार्टी के लिए कार्य किया। उनका निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। उनके परिवार और समर्थकों को शक्ति मिले तथा उनकी आत्मा को शांति मिले। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर हार्दिक संवेदनाएं। सबसे वरिष्ठ नेता वो हमारे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में यह भी लिखा। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, एक और बड़ी क्षति लगातार कांग्रेस के लिए अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी के लिए, तो 2020 का जो साल है, जाते जाते भी एक वरिष्ठ जो कांग्रेस के साथी थे उन्हें ले गया नीरज जी, मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। दुखद खबर। देखिये, जैसे जिस तरह से मोतीलाल वोरा के निधन की खबर आई है, क्योंकि 93 ईयर्स के वो थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा जो है उनके लिए नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के वो कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और काफी दिन से बीमार चल रहे थे और गांधी परिवार का उन्हें सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। उन्होंने तमाम जो गांधी परिवार के बड़े नेता इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक के साथ उन्होंने काम किया। उनका एक लंबा अनुभव था। वे जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्यप्रदेश के, राज्यपाल रहे यूपी के, वो कई बड़े पदों पर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर व्यतीत किया और इस दौरान उन्होंने पार्टी को, जब कई बार पार्टी में आर्थिक संकट की घड़ी खड़ी हुई, उस समय मोतीलाल वोरा ने बहुत ही शानदार काम किया। संगठन के तौर पर वोरा का योगदान बहुत अधिक था। उनके निधन पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, वर्तमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेताओं ने व्यक्त किया है और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। जी बिल्कुल नीरज जी, क्षति पार्टी के लिए बिल्कुल है मोतीलाल वोरा का इस तरीके से चले जाना। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।